चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में कल हमने आपको जो लेक्चर डिलीवर किया उस लेक्चर में हमने 1937 के इलेक्शन का जिक्र किया। कांग्रेस ने किस तरह से मिनिस्ट्रीज फॉर्म की, वो मिनिस्ट्रीज ने कैसे आउटपुट दिया, क्या क्या आउटकम्स आए, वो कितनी को पॉपुलर रहीं, 2.5 साल के कार्यकाल में वो क्या डिलीवर कर पाई क्या नहीं, हमने इसके ऊपर जिक्र किया। हमने सारे डायलेमास डिस्कस किए कि काउंसिल एंट्री करनी चाहिए कि नहीं, मिनिस्ट्रीज़ में जाना चाहिए कि नहीं, किस तरह से लेफ्ट और राइट विंग का द्वंद्व, उससे उभरती कांग्रेस की हर सोच गहन चर्चा के बाद और उससे निकलती भारतीय स्तर की राजनीति। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम उसमें एक रंग और जोड़ेंगे। हमने वर्कर्स भी पढ़े हैं, हमने एग्रीकल्चरल सेगमेंट पीजेंट भी पढ़ा है, हमने लेफ्ट पढ़ लिए, कम्युनिस्ट, हमने सोशलिस्ट पढ़ लिए, हमने राइट पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, लेकिन एक वर्ग और एग्जिस्ट करता है, उसे भी पढ़ना ज़रूरी था। ये है इंडियन कैपिटलिस्ट। भारतीय कैपिटलिस्ट किस तरह से उभरा, उसका क्या आर्थिक राजनीतिक योगदान रहा, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रोल क्या प्ले किया, किस तरह से वो नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़ा, कांग्रेस के साथ उसकी रणनीति क्या बनी, क्या योगदान इन्होंने कांग्रेस में दिया, क्या योगदान कांग्रेस ने इन्हें दिया, और दोनों ने मिलकर के नेशनल मूवमेंट में क्या रोल प्ले किया, ये सारी चीज़ें बहुत ही रोचक हैं। उसके साथ साथ इनको समझना ज़रूरी इसलिए भी है कि आपको यह पता होना चाहिए कि नेशनल मूवमेंट तो एक लेवल पर खड़ी होगी, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन उस नेशनल मूवमेंट के पीछे सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट कैसे किसी कॉमन पॉलिसी से गाइड होते हैं, और कॉमन पॉलिसी है कि हमें एक एंटी इंपीरियलिज्म स्टांस लेना है, क्योंकि सभी समस्याओं की जड़ यह साम्राज्यवाद है। तो कुछ ऐसे हैं जो साम्राज्यवाद के साथ साथ पूंजीवाद भी ख़त्म करना चाहते हैं, वो इंपीरियलिज्म के साथ साथ कैपिटलिज्म भी ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इंपीरियलिज्म तो ख़त्म करना चाहते हैं बट कैपिटलिज्म ख़त्म होने नहीं देना चाहते। यह भी नेशनल मूवमेंट की धारा में समा जाएंगे, क्योंकि एक कॉमन पॉलिसी से गाइडेड सारे हैं, वो है एंटी इंपीरियल स्टैंड, लेकिन इसके भीतर सबके अपने अपने जो क्लास इंटरेस्ट हैं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनसे कैसे हमारी नेशनल मूवमेंट गाइडेड है, और उसी गाइडेड नेशनल मूवमेंट की एक आउटकम हमारा नेशन, हमारा देश है। तो आज देश में आप कहाँ खड़े हैं, किस तरह के संबंध हैं सरकारों के बीच और उद्योगपतियों के बीच, किस तरह के संबंध हैं रिसोर्सेज के बीच और एक्सप्लॉइट करने वाले सेगमेंट के बीच, यानी कि जो उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, किस तरह से उन रिसोर्सेज से डिराइव्ड बेनिफिट रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्या वो कंसंट्रेट होते हैं या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से सरकारें वर्कर पीजेंट और कैपिटलिस्ट के बीच एक बैलेंस स्थापित करती हैं, सारी चीज़ों को यदि समझना होता है वर्तमान परिस्थिति में, तो आप जिस वर्तमान राष्ट्र का हिस्सा हैं, जिस देश का हिस्सा हैं, वो पीछे अतीत में किन परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ, उभरा, किन किन तरह की मूवमेंट्स को उसने झेला, चलाया, और उनमें किस किस तरह की सोच ने खुद को शुमार कराया, ये समझना ज़रूरी है, तभी देश और देश की समस्याएं, देश की विविधता और भिन्न रंग समझ आते हैं। उसी सीरीज़ में हमारा ये आज का लेक्चर भी है, और लेक्चर का नाम है द कैपिटलिस्ट क्लास एंड द फ्रीडम स्ट्रगल। शुरुआत इंट्रोडक्शन से कर देते हैं, समझाते हैं इसमें है क्या सही मायने में। देखिए फ्रीडम स्ट्रगल जो भारत की रही है, यह तो तय है कि 19वीं सेंचुरी के दौरान मेनली जब हम फ्रीडम स्ट्रगल को जोड़ करके देखते हैं, तो 1885 की कांग्रेस की फॉर्मेशन से जोड़ करके देखते हैं, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसे में जो फ्रीडम स्ट्रगल भारत की रही है, ये एक तरह की एजुकेटेड मिडिल क्लासेस की मूवमेंट के तौर पर शुरू हुई, आरंभ हुई। तो ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में फ्रीडम स्ट्रगल में एजुकेटेड मिडिल क्लासेस ही मेन मेंबर भी हैं, मेन
प्रमोटर्स हैं, प्रोपगेटर्स हैं, सब कुछ हैं। द एलिटिस्ट क्लास, एलिटिस्ट इन द सेंस ऑफ एजुकेशन, ये न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लासेस हैं। ऐसे में समय आगे बढ़ता चला गया, इस एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा चलाई जा रही इस मूवमेंट में ही आपको दो फ्रंट दिखे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट वो जो स्ट्रेट एक्शंस की बात करते थे सरकार के खिलाफ, वो जो इसे जनता तक ले जाना चाहते थे एक हद तक, एज कम्पेयर टू मॉडरेट्स। फिर इसी में हम आगे बढ़ जाएंगे, आपको राइट, सेंटर और लेफ्ट विंग नज़र आने शुरू हो जाएंगे इसी कांग्रेस के अंदर। तो धीरे धीरे कांग्रेस जैसे जैसे आगे बढ़ी है, उस कांग्रेस में डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट इंटरेस्ट शुमार होने लगे, इंक्लूड होने लगे, और उसके बाया वो एक्सप्रेस होने लगे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट होने लगे। ऐसे में कैपिटलिस्ट क्लास का भी कांग्रेस में पदार्पण हुआ, आगमन हुआ, कांग्रेस की नीतियों और योजनाओं के साथ वो जुड़े हैं, लेकिन इसमें समय लग गया। देखिए, जब आप बात करते हैं देश के स्तर पर, तो 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ, 1850 ऑनवर्ड्स, आपको सो कॉल्ड मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ होती नज़र आएगी। लेकिन उस वक़्त वो मॉडर्न इंडस्ट्री मेनली ब्रिटिशर्स के ही वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए लगाई गई थी, चाहे फिर वो रेलवे था, चाहे फिर वो शिपिंग था, चाहे फिर वो माइनिंग था, चाहे डैम कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, बी इट एनीथिंग। इसका मेन पर्पज़ कॉलोनियल इंटरेस्ट, इम्पीरियल इंटरेस्ट को सर्व करना था। लेकिन धीरे धीरे भारतीय उद्योग धंधों का भी विकास होना शुरू हुआ, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इसमें मेन रोल प्ले किया, मुंबई की, उस समय का बॉम्बे, और धीरे धीरे उसके वाया इंडस्ट्री बढ़ती चली गई। और 19th सेंचुरी का एंड जब होने को आया, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के तौर पर भी भारतीयों का आगमन होना शुरू हो गया। लेकिन सही मायने में वर्ल्ड वार वन से पहले तक ना तो नंबर ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट ज़्यादा थे, और ना ही इंडियन कैपिटल, भारतीय पूंजी का निवेश भी बहुत कम था, बहुत लिमिटेड था। नंबर ऑफ कैपिटलिस्ट भी कम थे, भारतीय पूंजी का निवेश भी बहुत कम था। वर्ल्ड वार वन ने सिनेरियो बदला। वर्ल्ड वार वन की वजह से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई वह यह थी कि वह ब्रिटिशर्स जो अब तक एक वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी फॉलो करते आ रहे थे, उन्हें ना चाहते हुए भी भारतीय उद्योगों को कुछ संरक्षण यानी कि कुछ प्रोटेक्शन देने पड़े। इसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज फ्लरिश होनी स्टार्ट हुई। और वर्ल्ड वार वन से वर्ल्ड वार टू का ये पीरियड है, इसे इंटरवार पीरियड कहते हैं, जो सही मायने में भारतीय उद्योग धंधों के विकास के लिए जाना गया है। तो 20th सेंचुरी का जो सेकेंड डिकेड माना जाएगा बिगनिंग से, यहाँ से आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और इंडियन इंडस्ट्रीज़ का कैपिटल बड़े स्तर पर बढ़ा, पूंजी भी बढ़ी और पूंजीपति भी बढ़े, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी बढ़नी शुरू हो गई। तो वर्ल्ड वार वन से पहले तो उनका नंबर इतना कम है, उनके पास कैपिटल की इतनी कमी है, तो उनके पास इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ कोई स्टैंड ले सके। तो वो कन्फ्रंट करने की पोजीशन पर आएँ, ऐसा उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वर्ल्ड वार वन के बाद नंबर भी बढ़े, पूंजी भी बढ़ी, रुतबा भी बढ़ा और मार्केट भी बढ़ गई इनकी। ऐसे में ये अब उस पोजीशन में एंटर होंगे कि ये कन्फ्रंट कर सकते हैं ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को। इनकी ये पोजीशन गेन करना इकोनॉमिकली ही इनकी पॉलिटिक्स को डिसाइड करेगी। तो ये जो किस एक्सटेंट तक इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ और उस इकोनॉमी में के ग्रोथ में कितना रोल इंडिजीनियस इंडस्ट्री प्ले करेंगी, इस पे डिपेंड कर जाएगा कि इनकी राजनीतिक कुव्वत कितनी होगी, इनकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग स्ट्रेंथ आवाज़ से कितनी होगी। और यहीं से फिर ये एक एक्टिव रोल प्ले करना शुरू कर देंगे इंडियन पॉलिटिक्स में, क्योंकि इनकी जगह अर्थव्यवस्था में अच्छी खासी बन चुकी होगी। उसी कॉन्टेक्स्ट में लेक्चर था, ये सारा इंट्रो मैंने आपको बताया।
तो शुरुआत यही है कि द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास। तो ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास को आप दोनों को, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास की ग्रोथ को कैसे जोड़ करके आप आपस में देखते हैं उसको समझिए। देखिए, सबसे पहले तो पूरे विश्व भर में यूरोपियन कॉलोनियलिज्म जो रहा उससे कुछ अनयूजुअल रिजल्ट्स इंडिया में हैं, उससे कुछ भिन्न व्यवहार यहाँ हुआ। इंडिया में इंपीरियलिज्म होने के बावजूद भी, कॉलोनियलिज्म होने के बावजूद भी, इंडियन इंडस्ट्री एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलोनीज बहुत ज़्यादा ग्रो हुई। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिपेंडेंटली ग्रो हुआ और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट अपने कैपिटल से ग्रो हुआ। तो ग्रोथ ज़्यादा हुई, इंडिपेंडेंटली ग्रो हुआ, अपने कैपिटल से ग्रो हुआ। ये एक परिस्थिति उत्पन्न होती है कॉलोनियल इंडिया के अंदर, जो कि अपने आप में बहुत यूनिक है, क्योंकि आप कॉलोनी हैं और बीइंग कॉलोनी आपके देश में आपके उद्योगपतियों का इतना विकास हो जाना, आपके उद्योग धंधे इतने बढ़ जाना कि आप धीरे धीरे बरतानिया उद्योग धंधों को ही वहाँ से रिप्लेस कर दें, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई उस समय। इसकी परिस्थितियों को समझना अनिवार्य हो जाता है, तभी आप समझ पाएंगे कि इंडियन कैपिटलिस्ट कैसे बना। वो तो उसके लिए उस वक्त की अर्थव्यवस्था को समझना ज़रूरी हो जाता। ये कैसे हुआ? देखिए, इंटर वॉर पीरियड के दौरान, यानी कि 1914 से शुरू हुए वर्ल्ड वॉर जो 1918 तक चला पहला, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ 1926 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से शुरू हुआ इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो 1929-1930 तक पूरे वेस्टर्न यूरोप को, अमेरिका को अपनी चपेट में ले चुका था, और अदर देश भी नहीं बचे एक्सेप्ट द सोवियत कंट्रीज, द सोशलिस्ट कंट्रीज। इसका भी एक लाभ भारतीय उद्योग धंधों को होगा एक स्तर पर, और उसके बाद फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होना। तो इस दौरान होने ये लगा है कि एक स्ट्रॉन्ग एक्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडिया में एक्टिवेट हुआ। ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट घटना है इस दौर की भारतीय अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको देखें। क्यों ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है? देखिए, 1914 की वर्ल्ड वार वन के बाद अचानक से परिस्थितियां बदलती हैं। क्या बदलती हैं? अब तक जो चीज़ें भारत में इम्पोर्ट हो रही थी यूरोपियन कंपनीज़ के वाया, क्योंकि यूरोप वॉर में लगा हुआ है, यूरोपियन कंपनीज़ का कैपिटल भी ड्रेन हो रहा है और टर्बुलेंट कंडीशंस हैं, वॉर प्रैक्टिसेस चल रही हैं, प्रोडक्शन भी मैनेज नहीं हो सकती है। ऐसे में इस समय के दौरान जो भी प्रोडक्ट इम्पोर्ट होते थे इंडिया में, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने उस अपॉर्चुनिटी को भांपते हुए उन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के भारत में ही सब्स्टिट्यूट्स बनाने शुरू कर दिए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कि जो चीज़ें इम्पोर्ट हो रही हैं, अगर आप उन चीज़ों का उत्पादन भारत में करना शुरू कर देंगे तो आपने इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। दैट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। इसकी वजह से इन इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होना शुरू हुआ और इम्पोर्ट रिड्यूस हुआ। और जब ये पैदावार कर रहे हैं स्तर पर, तो भारत में भी खपेगा, विदेशों में भी खपेगा, उससे जो इन्हें आमदन हुई वही इनकी पूंजी बनी, और उस पूंजी का इन्होंने बेहतर इस्तेमाल उस वक़्त में किया, क्योंकि जिन घरानों ने उद्योग धंधे लगाए हैं ये पिछले लंबे समय से ही मनी लेंडर का काम करते थे, लोकल बैंकर्स का काम करते थे, प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम का काम अपने लेवल पर करते थे, जो हमारी कंट्री का एक इंडिजीनियस शाहूकारी सिस्टम था। तो पैसा कैसे घुमाना है, पैसा कैसे इस्तेमाल करना, यह तो इन्हें आता था, लेकिन मुद्दा ये था कि पैसा बनना चाहिए उस स्तर पर कि उद्योग धंधों को समर्थन दे सकें, और वो स्तर यहाँ पर कामयाब होगा जब ब्रिटिशर्स के ही द्वारा, ना चाहते हुए भी वर्ल्ड वार वन के द्वारा इन्हें समर्थन दिया जाएगा, और वो वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी जिसके तहत ब्रिटेन से इंडिया आने वाले प्रोडक्ट्स पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी पहले नहीं लगती थी, वो फ्रीली इंडिया आते थे, और इंडियन प्रोडक्ट्स जब जाते थे ब्रिटिश मार्केट में या अदर मार्केट्स में, तो उन पर काफ़ी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी वहाँ की कंट्री में एंटर करने पे लगती थी, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स डिस्करेज होते थे और यूरोपियन प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में अच्छा पेनिट्रेशन मिलता था, वो एनकरेज होते थे, क्योंकि उनकी कीमत कम हो जाएगी अगर उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन यह संरक्षण देना पड़ा अंग्रेज़ों को उन प्रोडक्ट्स पे जो विदेश से भारत आते थे, इसका लाभ हमारे उद्योग धंधों को हुआ, और उसके तहत अब ये जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है, प्रोडक्शन
का वॉल्यूम बढ़ा, रैंप अप हुई, और इसकी वजह से उनके पास आमदनी आई, उनके पास पोटेंशियल आया, वर्थ आई, जिसके दम से उसने उन्होंने इस पूंजी का निर्माण किया और इसे और निवेश किया और आगे बढ़े, क्योंकि लेबर लॉज उस वक़्त उतने स्ट्रांग नहीं थे और वेजेस के लिए उस समय में ट्रेड यूनियंस भी उतनी मजबूत नहीं थी कि वो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा पाए। इसलिए जो सही मायने में वर्ल्ड वार वन के दौरान लाभ हुए, वो लाभ कैपिटलिस्टों के पास गए, वो फर्दर लेबर और वर्कर तक नहीं गए। तो इसका भी इनको एक लाभ हुआ कि ये बेहतर पूंजी निर्माण कर पाए उस वक्त। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रही उस वक्त जिसका इनको लाभ हुआ। इसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अपनी पूंजी से इन्होंने अपना विकास किया, कैपिटल अपना था, एज अ जूनियर कैपिटल वर्क नहीं किया इन्होंने कि यूरोपियन और या फॉरेन कैपिटलिस्ट के तहत एक जूनियर कैपिटलिस्ट के तौर पर ये काम करें, उनके पैसे की मदद से ही अपने उद्योग धंधे को आगे बढ़ाएं, ऐसा नहीं है। तो इंडिपेंडेंट कैपिटल यूज़ हुआ और इंडिजिनियस इंडस्ट्री की वाया इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ग्रोथ हुई, इसमें रोल प्ले किया वर्ल्ड वार वन, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर इंडियन इंडस्ट्री के सपोर्ट में अपनाना पड़ा था, इसका लाभ मिला। दूसरी चीज़, तेज़ी से बदली हैं चीज़ें 1914 से लेकर के 1940 के बीच में, ये इंटरवार पीरियड के दौरान चीज़ें बदली हैं अंग्रेजी साम्राज्यवाद के ऊपर आए क्राइसिस की वजह से, चाहे फिर वो वर्ल्ड वार थी, चाहे इकोनॉमिक डिप्रेशन था। वो क्या बदली हैं? बदलाव ये हुआ है कि पहले बड़े पैमाने पर जो इम्पोर्ट भारत की ओर आता था, इसको रिप्लेस किया है एक्सपोर्ट ने। तो अब आप देखेंगे कि 1914 से 1945 के बीच में इम्पोर्ट्स में मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स रिड्यूस होंगी और एक्सपोर्ट्स में मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स इंक्रीज होंगी, जबकि इसके पहले ये था कि इम्पोर्ट में मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स ज़्यादा थी और एक्सपोर्ट में रॉ मटेरियल ज़्यादा जाता था। अब जब आप किसी एक कंट्री से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि वो कंट्री को आपने अपनी मेन कंट्री के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया है, यानी कि आप इसे एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके रॉ मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं अपने देश के लिए एक इनपुट के तौर पर, ताकि वो कंपनीज जो हैं एक मैन्युफैक्चर्ड आइटम बना सकें, जिस मैन्युफैक्चर्ड आइटम को ला करके आप कंज्यूम कराते थे इसी कॉलोनी में। अब जब आप एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं बजाय कि आप कोई मैन्युफैक्चर्ड आइटम एक्सपोर्ट करें, इससे सीधे सीधे आपके देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपको, मान लीजिए किसी खदान से एक लोहा मिला है और लोहे की एक किलो की कीमत अगर आप बाज़ार में जाएं तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसी एक किलो लोहे से यदि आप औजार बना लेते हैं या कोई हथियार बना लेते हैं, तो उन आइटम्स की, उन आर्टिकल्स की कीमत कई गुना होगी। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी रॉ मटेरियल के ऊपर वर्क करते हैं तो हर सक्सेसिव साइकिल ऑफ प्रोडक्शन में उस रॉ मटेरियल पे वैल्यू ऐड होता है। ये जो वैल्यू एडिशन होता है एट द सक्सेसिव साइकिल ऑफ प्रोडक्शन, इस वैल्यू एडिशन का मतलब ही ये है कि उस मटेरियल के ऊपर आपने जो वर्क किया, अपना जो समय लगाया, आपने जो फैक्टर्स लगाए, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ भी लगाई, उसी की वजह से उस आर्टिकल की, उस रॉ मटेरियल की अब कीमत बढ़ गई है। तो वो बढ़ी हुई कीमत से ही आपको वेजेस मिल रहे हैं, आपने लेबर दी थी तो वेजेस मिलेगा, आपने कैपिटल दिया था तो फिर उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपने लैंड दिया था तो आपको रेंट मिलेगा, अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप दी है तो आपको आपके प्रॉफिट्स मिलेंगे, और ये फिर आप फर्दर अपनी कंट्री में कंज्यूमर डिमांड क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, आपकी जेब में पैसा आता है। तो या तो आप एक्सपेंडिचर की ओर जाते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट की ओर जाते हैं, निवेश करते हैं। तो ये अगर एक किलो लोहा एज इट इज़ ही 12 रुपये का किसी कंट्री को बेच दिया जाता तो किसी को कोई लाभ नहीं था, लेकिन उसे एक किलो लोहे पे प्रोसेसिंग करके, उसे मैन्युफैक्चर करके कई आर्टिकल्स में कन्वर्ट किया तो उसका लाभ कईयों को मिला, क्योंकि अब उस एक किलो लोहे से 2 या 3 प्लास बने हैं, प्लायर्स, और उनकी कीमत पर आर्टिकल 200-250 रुपया है, तो 700 रुपये का उत्पाद हुआ, जबकि पहले वो 12 रुपये की चीज़ थी। ये 700 रुपया किसी ना किसी को तो गया ही होगा। इस तरह से जब आप किसी रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हर सक्सेसिव साइकिल ऑफ प्रोडक्शन पे आप उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, जिस वैल्यू एडिशन का
हर उस पर्सन को फ़ायदा होता है जिसने उस प्रोडक्शन में कोई फैक्टर कंट्रीब्यूट किया है, और इससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। अब सही मायने में ये होने लगा था, और इसका लाभ ये था कि भाई हमारे एक्सपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है, रॉ मटेरियल घटा है, तो मतलब वैल्यू एडिशन बढ़ा है, तो मतलब जीडीपी हमारा बढ़ेगा, लाभ हमारे उद्योगपतियों को देश को होगा। और इम्पोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग घटा है, इट मीन्स हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग आइटम की डिमांड को हमारी इंडस्ट्री पूरा कर रही है, इंटरनल मार्केट को वो कवर कर रही हैं, और यही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार भी कवर कर रही हैं। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, उस इम्पोर्ट में मैन्युफैक्चर्ड आइटम की बजाय कैपिटल गुड्स बढ़ गई हैं, कंज्यूमर गुड्स की बजाय कैपिटल गुड्स बढ़ गई हैं। मतलब कैपिटल गुड्स का मतलब मशीन्स। कैपिटल गुड वो गुड होती है जिस गुड की मदद से आप फर्दर और गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दोज आर द कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स का इम्पोर्ट बढ़ जाने का मतलब ये है कि हमारे उद्योग धंधे हमारे देश के रॉ मटेरियल को बेटर प्रोसेस करने लगे हैं। मतलब हमारे देश में अब सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स की मार्केट नहीं है, हमारे देश में अब एक मार्केट उद्योगपतियों की भी है, जो विदेशों से सिर्फ कंज्यूमेबल आइटम्स ही नहीं, कैपिटल आइटम्स की भी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं कि हमें मशीन्स चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। तो एक्सपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग आइटम का बढ़ जाना, इम्पोर्ट में मैन्युफैक्चर्ड आइटम का घट कम जाना हुआ, और कैपिटल गुड्स का बढ़ जाना, यह सीधा सीधा उस बात को प्रतिबिंबित करता है उस वक़्त में कि हमारे उद्योग धंधे बढ़ रहे थे, और ये बड़ी बात थी उस दौर के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। ये हुआ ही इसलिए क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिले हैं वर्ल्ड वॉर वन की वजह से, उसके बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू की परिस्थितियां आ गईं। इन क्राइसिस का आपने ज़बरदस्त फ़ायदा उस वक्त में उठाया। केवल यही सत्य नहीं है कि इंडस्ट्री के मामले में ही यह विकास हुआ है, फाइनेंसेस के मामले में भी आपने विकास किया। उदाहरण के तौर पर 1914 के अराउंड हमारे देश में, यदि हमारे इंडियन बैंक्स के पास 30% सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स थे, तो 1947 के अराउंड ये 80% पर पहुँचे। 1914-15 के अराउंड हमारी कंट्री के इंश्योरेंस कंपनीज के पास, 1945 का डाटा पढ़ते हैं, 1945 तक जाते हुए हमारे देश की इंश्योरेंस कंपनीज के पास लाइफ इंश्योरेंस का 79% और जनरल इंश्योरेंस का 55% शेयर आ चुका था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1946 तक हमारे देश के इंडियन टॉप थ्री बिजनेस हाउसेस की टोटल एसेट्स नॉन इंडियन बिजनेस टॉप थ्री बिजनेस हाउसेस की टोटल एसेट से कहीं ज़्यादा था। अब हुआ क्या, इन्हीं पॉलिसियों के फलस्वरूप 1920 से 30 के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त चेंजेस आ गए। वो चेंजेस क्या आ गए? चेंजेस ये आए कि तेज़ी से जो इन्वेस्टमेंट्स यूरोपियंस की भारत में थी, 1930 तक उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर जो रिटर्न्स उन्हें आने थे, इसे रिपैट्रिएशन कहते हैं, रिपैट्रिएशन मनी, जो रिटर्न्स उन्हें आने थे वो रिटर्न्स लगभग वो अपने खींच के ले जा चुके थे। इसका कारण ये था कि बहुत हद तक बहुत सी यूरोपियन कंपनियां जो भारत में थी उनका टेक ओवर इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने कर लिया था, और जो भी उनके निवेश थे वो उन यूरोपियों को वापस कर दिए थे। दूसरी बड़ी बात, जो भी भारत में कर्जे दिए हुए थे विदेशी कंपनियों ने, वो कर्जे अमूमन वापस हो चुके थे। ये दूसरी बड़ी चीज़। तो इसका उदाहरण अब आपको ये नज़र आता है कि जब 1935 का समय आया, उस वक़्त तक भारत लगभग अंग्रेजी कर्जा जो भारत पर था उस कर्जे से मुक्त हो चुका था। तो डेट भी आपने मुक्त कर दिया, जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वहाँ से जो रिपैट्रिएशन जाना था वो भी जा चुका है, और इसका नतीजा ये निकला है फाइनली कि 1945 के दौरान भारत ने अंग्रेज़ों का कुछ नहीं देना था, लेकिन अंग्रेजी सरकार के ऊपर और अंग्रेजी मुल्क के ऊपर भारत का 1500 करोड़ रुपया बोल रहा था, तो उन्हें भारत का 1500 करोड़ रुपया देना था। लगातार अंग्रेजी सरकार भारत को किसी ना किसी तरीके से लूटती रही थी। उसके कई तरीके थे। एक तरीका यह भी हुआ करता था कि अपने देशों से आने वाली इन्वेस्टमेंट्स को अनप्रॉफिटेबल होते हुए भी गारंटीड रिटर्न्स प्रॉमिस कर देना, जिसके तहत रेलवे और बाकी उद्योग धंधे लाए गए। इसे कहा जाता है फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का दौर, और इस दौर के तहत भी भारत को लूटा गया। दूसरा इम्पॉर्टेंट तरीका क्या था? भारत से बड़े पैमाने पर
होम चार्जेस के नाम पर पैसा ले जाना, इसके तहत भी भारत का धन लूटा जाता था। तो भारतीय सेना का इस्तेमाल विश्व स्तर पर करना, उन युद्धों का खर्चा भी भारत से पे करना, कई तरह की चीज़ें करके भारत के ऊपर कई तरह के कर्जे लाद दिए गए थे। और इसमें सबसे बड़ा रोल इस बात ने भी बनाया कि जो करेंसी है उसमें मैनिपुलेशन की जाती थी, उसकी कीमत अंग्रेज अपनी मर्जी से घटाते बढ़ाते रहते थे अपने हितों में। ये सारी चीज़ें कम हुई हैं 1920 ऑनवर्ड, जब कंट्री लेवल पर मास अवेकनिंग हुई, जब गांधी जी का एडवेंट हुआ, जब सोशलिज्म भी होने लगा मजबूत जैसे पीजेंट और वर्कर, और जब पॉलिटिकल पार्टीज बहुत एनलाइटेंड और मास मूवमेंट का दौर है, तो अंग्रेज यह चीज़ें अब खुलेआम नहीं कर पा रहे थे। तो इसका भी एक लाभ हमारे कैपिटलिस्ट सेगमेंट को बड़े स्तर पर मिला कि अंग्रेजी तंत्र के ऊपर एक प्रैक्टिकल चेक आया हमारी फ्रीडम स्ट्रगल का, उस चेक की वजह से, उस ऑब्जर्वेशन की वजह से, उस अकाउंटेबिलिटी की वजह से, जो चीज़ें वो अब पूरी पहले पूरी तरह से रैम्पेंटली कर रहे थे, अब वो नहीं कर पा रहे थे। तो यह एक चीज़ है जिसने लाभ दिया कैपिटलिस्ट सेक्शन को, और कैपिटलिस्ट सेक्शन मजबूत हुआ। तो ऑल इन ऑल हमारे सामने क्या ट्रेंड उभर करके आया? पहला ट्रेंड ये उभर करके आया कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ इंडिया में 1920 से 1940 के बीच में। अगर आप बेटर कहना चाहते तो 1914 से 1945 के बीच में, इंटरवार पीरियड के दौरान। इस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा हमारे इंडियन कैपिटलिस्ट, हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को मिला। ये इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिपेंडेंटली ग्रो हुए हैं, अपने कैपिटल से ग्रो हुए हैं, ये अंग्रेजी कैपिटल या अंग्रेजी मदद से ग्रो नहीं हुए हैं, और इनका स्टैंड एंटी इंपीरियलिस्ट था। तो ये इंडिपेंडेंटली ग्रो हुए हैं, अपनी कैपिटल से ग्रो हुए हैं, ग्रोथ रैपिड हुआ है, और ये एंटी इंपीरियलिस्ट स्टैंड रखते थे। इसी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इनके पास कैपिटल आया, और इसी की वजह से इनके पास यह ताकत भी आई कि इन्होंने एंटी इंपीरियलिस्ट स्टैंड अब लेना शुरू किया, जो ये पहले नहीं ले सकते थे। वो कन्फ्रंटनिस्ट की पोजीशन जो ये पहले नहीं ले पा रहे थे, अब ये ले पा रहे हैं, क्योंकि ये अब इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन्ड हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर उभर करके आती है कि हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका यहाँ पर उद्देश्य ये था कि कंट्री लेवल पर हमें उस पार्टी, उस फ्रीडम स्ट्रगल को ऑब्जर्व करना है जो देश के स्तर पर शांति का माहौल बनाए रखे, इंपीरियलिज्म के खिलाफ तो करे पर कैपिटलिज्म का खात्मा ना होने पाए, क्योंकि कैपिटलिज्म चाहे विदेशी हो या भारतीय है तो ये उनके इंटरेस्ट से ही जुड़ा हुआ मामला। तो वो कैपिटलिज्म था, फाइनेंशियली ये स्ट्रांग हुए, और लगभग भारत कर्जा मुक्त था। 1500 करोड़ कर्जा अंग्रेजी तंत्र को, अंग्रेजी देश को, सरकार को, भारत का चुकाना था, यह बड़ी बात थी। आई बात समझ में? इसी कंसेप्ट के तहत हमने देखा कि कैसे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ ने इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास को ग्रो कराया। जितना ज़्यादा, जितना व्यापक भारतीय अर्थव्यवस्था होगी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जितना ज़्यादा मजबूत होगा, एक्सपोर्ट ऑफ मैनुफैक्चर्ड आइटम जितना ज़्यादा होगा, इम्पोर्ट ऑफ मैनुफैक्चर्ड आइटम रिड्यूस होगा, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग कंट्री के अंदर होगी बड़े स्तर पर, कैपिटल गुड्स का इम्पोर्ट बढ़ रहा है, लगातार हमारे देश के उद्योगपतियों को प्रोटेक्शन दिए जाएंगे वाया इम्पोर्ट ड्यूटी, और सरकार ज़रूरत पड़ने पर उन्हें फ़ंड देगी, सपोर्ट देगी, पूंजी निर्माण के लिए मदद करेगी, बैंक्स के द्वारा उन्हें लोन दिए जाएंगे, तेज़ी से सेविंग अकाउंट भारतीय लोगों के जमा पूंजी के ऊपर, अगर हमारे उद्योगपतियों को एक कंट्रोल मिलेगा, यानी कि बैंक उन्हें पैसा देंगे तो उनका पूंजी निर्माण होगा, वो विकास करेंगे। इस तरह के सारे माध्यमों का, तरीकों का इस्तेमाल करके स्वतंत्र तौर पर हमारे उद्योग धंधे विकसित हुए, जिसमें अर्थव्यवस्था का व्यापक जो एक स्तर है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। और 1914 से 1945 के बीच में भारतीय स्तर पर आई एनलाइटनमेंट, लगातार हो रही मास मूवमेंट, और अंग्रेजी तंत्र के ऊपर बढ़ता हुआ राजनीतिक दबाव, जिसकी वजह से वह सब चीज़ें अब खुले तौर पर नहीं कर पा रहे जो वो 19वीं सेंचुरी में कर रहे थे, ये सारी चीज़ों का एक रोल रहा। तो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास उभर करके आई। द एमरजेंस ऑफ अ क्लास ऑर्गेनाइजेशन, एक क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अब कैसे उभरी, इसे समझते हैं। देखिए, क्लास ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इनका कैसे एमरजेंस होता है, अब ये तो एक इम्पॉर्टेंट चर्चा थी ही इन सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में, जिन्हें हम कैपिटलिस्ट के तौर पर जानेंगे, कि इन्हें किस तरह का एटीट्यूड अपनाना चाहिए इंपीरियलिज्म को लेकर के, नेशनल स्ट्रगल को लेकर के, और कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि ज़्यादा समय तक आप इस चीज़ से अछूते नहीं रह सकते थे। तो
इसके लिए फिर कई विचार निकल करके आए। पहला एक थॉट ये निकल करके आया कि क्यों ना हमें अब तक एग्जिस्ट कर रहे हैं नॉन इंडियन कैपिटलिस्ट के द्वारा बनाई गई लॉबीज़, ये तो इंडियन कैपिटलिस्ट हैं लेकिन इनके पहले नॉन इंडियन कैपिटलिस्ट एग्जिस्ट कर रहे थे, वो लॉबी सिस्टम के तहत ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाते थे उनकी नीतियों को प्रभावित करने के लिए ताकि उन कैपिटलिस्ट के हितों में नीतियाँ बन सकें। तो एक सुझाव भारतीय कैपिटलिस्टों के सामने भी ये था कि भाई हम एक लॉबी सिस्टम क्रिएट करते हैं एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर जो सरकार पर दबाव बना करके हमारे हित में नीतियाँ पारित कराया कर। लेकिन एक सेगमेंट इससे सहमत नहीं था, उसका मानना था कि हमें एक फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो हमारे इंडस्ट्री, कॉमर्स, फाइनेंस, ट्रेड, इनके सबके इंटरेस्ट को बेटर वे में कंजर्व करे, प्रमोट करे और आगे लेकर के जाए, लोगों के सामने, सरकार के सामने, फ्रीडम मूवमेंट के सामने रखे। तो इसके लिए फिर 1927 में यही निर्णय हुआ कि हमें एक बॉडी बनानी चाहिए। महत्वपूर्ण हस्तियां यहाँ पर जीडी बिरला हैं, महादेव देसाई हैं, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास बहुत इम्पोर्टेंट हस्ती हैं, ये सभी लोग हैं और इनके तहत ये तय हुआ कि एक फेडरेशन बनाई जाएगी। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनाया गया 1927 में। फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है फिक्की। फिक्की आप सुनते होंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927 में फिक्की बना। फिक्की का पर्पज़ यही था कि इसे एक गार्जियन बॉडी की तरह काम करना है इंडियन ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स, फाइनेंस को गाइड करने के लिए, ताकि ये उसे गाइड करे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा करके लेके जाए। और इसने अपना रोल प्ले भी किया, बड़ी तेज़ी से इसकी मेंबरशिप बढ़ी, तेज़ी से मेंबर इसके साथ जुड़े, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसे बहुत तेज़ी से रिकॉग्नाइज़ कर दिया, इंडियन जनरल पब्लिक ने भी इसे स्वीकार किया कि हाँ ये एक ऐसी बॉडी है जो डोमिनेंट कैपिटलिस्ट व्यू को रिप्रेजेंट करती है कंट्री के स्तर पर। मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने इसे एक बॉडी के तौर पर स्वीकार किया, तो फिक्की बन करके आई, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था। फिर इस फिक्की के तहत रोल क्या प्ले किए गए इकोनॉमिक्स स्फेयर में, पॉलिटिकल स्फेयर में क्या रोल प्ले हुआ? इकोनॉमिक्स स्फेयर में फिक्की का रोल उस वक़्त ये था कि सही मायने में फिक्की को इंडियन इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स और फाइनेंस के इंटरेस्ट को सर्व करना था, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो इसके लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए? देखिए अभी भी परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न नहीं हुई थी कि आप सीधा एक कन्फ्रंट करने वाले सेगमेंट का रोल प्ले करने लगे, और ब्रिटिश तंत्र जो उस समय में मेन सरकार है देश की, उसे सीधे तौर पर ही आप कन्फ्रंट कर दें तो क्या कर सकते थे आप? तो उस समय में इनसे जो एक्सपेक्टेड था एक नेशनलिस्ट बॉडी के तौर पर, फिक्की वाज अ नेशनलिस्ट बॉडी, तो एक नेशनलिस्ट बॉडी के तौर पर जो इनसे एक्सपेक्टेड था इन्होंने वो रोल प्ले किया। इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक नेशनलिज्म का रास्ता अपनाया। इकोनॉमिक नेशनलिज्म के रास्ते का मतलब यहाँ पर वही है जो 19th सेंचुरी से के दौरान 1850 से 1900 के बीच में एजुकेटेड मिडिल क्लासेस ने अपनाया था, जैसे कि दादा भाई नेहरू जी, रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त, इनके द्वारा भी एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म का रास्ता अपनाया गया था जिसके तहत इन्होंने अंग्रेजी तंत्र के द्वारा इंडिया को एक कॉलोनी के तौर पर कैसे आर्थिक तौर पर ब्रिटेन के इंटरेस्ट के साथ सब्स्टिट्यूट किया है ये जनता के सामने रख दिया था। दादा भाई नेहरू जी की किताब द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ये सब जाहिर हो गया था। तो इन्होंने भी इकोनॉमिक नेशनलिज्म का एक तरीका अपनाया जिसके तहत इन्होंने अंग्रेजी तंत्र के द्वारा भारत में जो भी सरप्लस वेल्थ है उसे टैक्सेशन के वाया कैसे ड्रेन किया है ब्रिटेन की ओर ये दिखाया, कैसे फाइनेंस और मॉनेटरी सिस्टम को, करेंसी को मैनिपुलेट किया ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट में ये दर्शाया, कैसे ब्रिटेन को ट्रिब्यूट भेजने के नाम पर और होम चार्जेस के नाम पर इंडियन वेल्थ को यहाँ से ड्रेन किया ये दिखाया, कैसे हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और एक्सपीडिशन कॉस्ट यानी कि युद्धों के खर्चे के तौर पर
भारतीय धन का नुकसान किया, ये दिखाया। कैसे इंडियन इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड को ब्रिटिश कैपिटलिस्ट और ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए हार्म किया है, इंडियन इंडस्ट्री को कोई प्रोटेक्शन ना दे करके, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ना दे करके, ये दिखाया। तो इस तरह से इन्होंने एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म के तहत एक इकोनॉमिक क्रिटिक प्रिपेयर किया अंग्रेजी तंत्र का भारत में, और उस इकोनॉमिक क्रिटिक का समर्थन सभी वर्गों ने किया। तो एक माहौल बनाने का इन्होंने काम किया ताकि अंग्रेजी तंत्र के ऊपर एक दबाव बन सके। तो आर्थिक तौर पर ये उस वक्त का इनका एक रोल था जिसके तहत इन्होंने ये स्थापित किया कि यह इसलिए हुआ क्योंकि भारत में एक साम्राज्यवाद है, जब यह साम्राज्यवाद नहीं रहेगा तो उसके अभाव में, उसके एब्सेंस में, इस इंपीरियलिज्म की एब्सेंस में इंडिया में जो कैपिटलिज्म होगा वो हमारा होगा, द इंडियन कैपिटलिस्ट, और हमारा इंडियन कैपिटलिस्ट इस इंपीरियलिज्म के द्वारा दी गई इन चीज़ों का, जिनका जिक्र अभी मैंने किया, इन चीज़ों से अलग होगा। ये चीज़ें इंडियन कैपिटलिज्म में नहीं होंगी, ये इस चीज़ को स्थापित करना चाहते थे। फाइनली पॉलिटिकल स्फेयर में भी इनका रोल होना बहुत ज़रूरी है। कैपिटलिस्ट ये भली भांति जानते थे कि फिक्की सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक स्फेयर में अपना रोल प्ले करके सीमित नहीं रह सकती, एक तो उसकी पोजीशन भी हो चुकी है, दूसरा पोजीशन हो चुकी है कि अब वो स्टैंड ले सकती है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। पोजीशन का सेंस यहाँ पर यह है कि वो मार्केट इतना का कैप्चर कर चुकी है, उसका ट्रेड में इतना का इम्पॉर्टेंट रोल हो चुका है, और उसके पास कैपिटल इतना का हो गया है कि वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है, तो ये उसकी पोजीशन हुई है। और दूसरी बड़ी चीज़ यहाँ पर कि वो अब देख रहे हैं कि हमारा विकास कैसे हो फर्दर, और विकास के लिए चाहिए उन्हें वह माहौल जो एक देश की ही सरकार दे सकती है, और वो देश की सरकार स्वदेशी हो, अपने लोगों की हो, देश आज़ाद होगा तब ये होगा। ऐसे में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, नेशनल मूवमेंट चल रही है, उससे आप आंख भींच नहीं सकते हैं, बंद नहीं कर सकते, हट नहीं सकते, ये फिक्की भली भांति जानती थी, अदरवाइज़ फिक्की निरर्थक हो जाती। इस चीज़ को पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने 1928 में फिक्की के सेकंड सेशन में एड्रेस भी किया। ये वही पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हैं जिन्होंने 1920s में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की खिलाफत की थी। मैं आपको एक बात बता दूं, शुरुआत से अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि 1850 से आप 1914 तक ही ले लीजिए, वर्ल्ड वार की बिगनिंग तक, नंबर ऑफ कैपिटलिस्ट भी कम थे, उनके पास फंड भी कम थे, स्ट्रेंथ वीक थी, तो ये एंटी ब्रिटिश स्टैंड नहीं ले सकते थे। इसका उदाहरण यहाँ से पता लगता है कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट का साथ समर्थन नहीं दिया था, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय में भी पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की खिलाफत की गई थी, उसमें उनका यह कहना था कि भाई इस तरह से यदि मास मूवमेंट होगी और वो मास मूवमेंट यदि अनऑर्गेनाइज्ड रह गई एक समय के बाद और लंबी चली गई तो रेडिकल्स के हाथ चल लग जाएगी ये मूवमेंट, यानी कि उपद्रवियों के हाथ जा सकती है, लेफ्टों के हाथ जा सकती है, रेवोल्यूशनरी टेररिस्टों के हाथ जा सकती है, और फिर देश को नुकसान होगा, ऐसा वो मानते थे। प्लस उनको ऐसा लगता था कि इस तरह की मास मूवमेंट में अभी हमारा समर्थन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सही मायने में देश में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का रिफॉर्म आने वाला है उस रिफॉर्म के समर्थक हैं, ऐसे रिफॉर्म्स आने चाहिए इंडिया में, फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए जिससे भारतीय उद्योग धंधों को सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। और जो लिबरल्स इन रिफॉर्म्स को आने में एक्सेप्ट करने में मदद कर रहे हैं सरकार की, हम उन लिबरल्स के साथ खड़े हैं। रिफॉर्म्स की खिलाफत करने का अभी देश में माहौल नहीं है, क्योंकि अभी अभी ताज़ा ताज़ा हमारे उद्योग धंधे बढ़ने शुरू हुए हैं वर्ल्ड वार वन के ख़त्म होने की वजह से। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की इन्होंने खिलाफत की थी उस समय में, क्योंकि पॉलिटिकल टर्बुलेंस नहीं चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि कोई मास मूवमेंट आगे जा करके रेडिकलाइज हो जाए, और दूसरी बात वो चाहते थे कि अभी आज़ादी मिलने से तो रही, तो अभी जो दे रही है सरकार एटलीस्ट उसको लो और सही मायने में चुनाव लड़ करके अंदर जाओ और जा करके देश हित में कानून बनाओ, बशर्ते कि वो चीज़ों की खिलाफत करके जो मिल रहा है उसे भी गवा देना। लेकिन इनका स्टैंड अप बदला है, यही पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास 1928 में बदल चुके हैं, और इनका कहना यह है कि भाई कैपिटलिस्ट अपनी इकोनॉमी और पॉलिटी को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इकोनॉमी और पॉलिटी यहाँ पर एक साथ सर्व होगी, हमें अपना स्टैंड लेना होगा, स्टैंड क्लियर करना होगा। और इसके साथ ही इनका स्टैंड यहाँ पर यही निकल करके आएगा कि हमें नेशनल मूवमेंट को समर्थन देना है, और उस नेशनल मूवमेंट में हमें यह रिकॉग्नाइज करना होगा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर खड़ी है,
जिसमें सभी डिफरेंट शेड रिप्रेजेंट होते हैं, सभी डिफरेंट इंटरेस्ट सेगमेंट क्लासेस कांग्रेस में रिप्रेजेंट होती है। तो हमें कांग्रेस के साथ आना है, उसका समर्थन करना है पीसफुल मूवमेंट के तौर पर, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी से कहीं ज़्यादा एक मूवमेंट के तौर पर खड़ी हुई थी, जिसमें सभी अभिव्यक्तियाँ, सभी वर्ग, सभी क्षेत्र समाहित थे। ये एक बड़ी चीज़ है। तो पॉलिटिकल स्फेयर में भी इनका ये रोल रहेगा कि यह कांग्रेस को समर्थन करेंगे, ये नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे। समर्थन करने में ये कई तरह के रोल यहाँ पर प्ले करते नज़र आएंगे, जिन रोल्स के बारे में मैं अब आपको जब एनालिसिस करके दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। और एनालिसिस का पॉइंट यहीं से शुरू होता है, नेचर ऑफ एंटी इंपीरियलिज्म, द कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ, नेचर ऑफ एंटी इंपीरियलिज्म, द कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ। तो ये जो इनका एंटी इंपीरियलिज्म स्टैंड था, उसका स्वभाव कैसा था, उसकी प्रकृति कैसी थी, उसका नेचर क्या?